असगर के लिए मुजरई कहते थे खालिक अकबर फलकदार में कैसा है नया जुल्म व सितम बहन मोहताज है शब्बीर की चादर फन की गर्मदा लिखो जुल्फे शह कहते थे इन दोनों में मैं किसको रजा दूँ अकबर को जो भेजू तो ये हम शक्ल नबी है कासिम को जो भेजू तो निशानी है हसन की गर्मदा लिखो शहनशाह जमन के गर्मदा कहते थे
सरने जे पे कापेगा जो मेरा, चादर जो उतारेगा कोई मेरी बहन की गर्वदा। लिखो जुल्फे कहती थी सकीना के गला छिलता है जालिम, तकलीफ बहुत होती है अब मुझको रसम की गर्मदा। लाशे शोहदा देख के कहते थे ये रह रहो बस्ती है लुटी या किसी आवारा वतन की गर्मो। जुल्फे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा कसला दिया जो चराग कबूर नबी कथा उसे कर बला बुझा दिया। ये हुसैन तेरा ही काम था के सब अपने लाल फिदा किए, तुझे सितारों ने डूब कर शब गम का चाँद बना दिया। ये ना ये तो कि जजा मिले ये अली के लाल के हिम्मत वो सिनान तीर के दावत। कभी नौजवान का जिगर दिया कभी बेज़बान का गला दिया। ये ना ये तो कि जजा मिली तेरी सर फरोशी की शान थे जो हयात दीने खुदा नबी न मिला वो किसी को हया तुम्हें तुझे मौत ने जो मजा दिया। के वो दिल कहाँ से वो लाएंगे जो हुसैन खेमे में जाएंगे, जिस माँ की गोद से लाए थे
उसे जेर खाक सुना दिया ये ना यतों की जजा मिली ये हिदायतों कसला दिया न हुसैन गोले पे थम सके जो सदा अज़ा की बुलंद थी वो नमाज असर का वक्त था जो ज़मीन पे खुद को गिरा दिया मुझे नजम कोई कहा करे मैं बुलंद ऊजे फलाक से हूँ मुझे जिक्र आले रसूल ने महमरमा से बढ़ा दिया इनायतों की जजा मिली बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात आओ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात چند خطاط پیش نظر سماعت فرمائیں کہ ثانی نبی کا ڈھونڈنا بس میں کہاں تیرے ممکن ہو کر رسول کا سایہ تلاش کر ثانی نبی کا ڈھونڈنا بس میں کہاں تیرے ممکن ہو کر رسول کا سایہ تلاش کر اور نانا کے جیسا بعد میں دنیا میں ڈھونڈنا پہلے حسین جیسا نواسا تلاش کر نانا کے جیسا بعد میں دنیا میں ڈھونڈنا پہلے حسین جیسا نواسا تلاش کر پہلے حسین جیسا نواسا تلاش کر اور میرا معمولی مکان بھی بن گیا دولت کدا جب محرم میں بچھا فرش عزا شبیر کا میرا معمولی مکان بھی بن گیا دولت کدا جب محرم میں بچھا فرش عزا شبیر کا فاطمہ تشریف لائیں گھر کی قسمت کھل گئی کم سے کم 10 دن کو یہ گھر ہو گیا شبیر کا کم سے کم 10 دن کو یہ گھر ہو گیا شبیر کا کم سے کم 10 دن کو یہ گھر ہو گیا شبیر کا اور یہ چار مصرے بھی مولا ابو الفضل العباس کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ مدح عباس جری آسان نہیں قیصر رقیل عقل سے بالا ہے جو وہ مرتبہ عباس ہیں مدح عباس جری آسان نہیں قیصر رقیل عقل سے بالا ہے جو وہ مرتبہ عباس ہیں پہلے یہ طے تو کرو کیا ہے وفا کی انتہا پھر کہو اس انتہا کی انتہا عباس ہیں پھر کہو اس انتہا کی انتہا عباس ہیں اور یہ چار مصرے بھی سماعت فرما لیں کہ بھائی کے رشتے کی ہر تاریخ پر ڈالی نظر با وفا عباس سی ہستی نظر آئی نہیں بھائی کے رشتے کی ہر تاریخ پر ڈالی نظر با وفا عباس سی ہستی نظر آئی نہیں
बा वफा अब्बास सी हस्ती नजर आई नहीं, पाट देगा भाई की राहों का ये हर एक कुआं, भाई है शब्बीर का यूसुफ का ये भाई नहीं, भाई है शब्बीर का यूसुफ का ये भाई नहीं। और वो फलक का चांद है और ये अली का चांद है, वो निकल कर डूबता है ये कभी डूबा नहीं, वो फलक का चांद है और ये अली का चांद है, वो निकल कर डूबता है ये कभी डूबा नहीं। वक्त की कोई जुलेखा इनको पा सकती नहीं, यूसुफ हैदर है ये बाजार में बिकता नहीं, यूसुफ हैदर है ये बाजार में बिकता नहीं, यूसुफ हैदर है ये बाजार में बिकता नहीं। और ये भी समाज फरमा लीजिए कि सर कट के कभी बात नहीं की है किसी ने, ये कौन सरे ने जभला बोल रहा है, दो में से कोई एक तो है बात यकीनन, ये मैं नहीं ईमान मेरा बोल रहा है, या तो है रखा नेज़े पे कुरान इलाही या लहजे सरवर में खुदा बोल रहा है, या तो है रखा नेज़े पे कुरान इलाही या लहजे सरवर में खुदा बोल रहा है। और उठा के देख लो तारीख तुम जमाने की, बिना अमल के कभी बरतरी नहीं मिलती, उठा के देख लो तारीख तुम जमाने की, बिना अमल के कभी बरतरी नहीं मिलती। हुसैन नामी मोहल्ले बहुत से मिलते हैं, यजीद नाम की कोई गली नहीं मिलती, हुसैन नामी मोहल्ले बहुत से मिलते हैं, यजीद नाम की कोई गली नहीं मिलती, यजीद नाम की कोई गली नहीं मिलती। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल गलत लिखा हुआ तारीख में है ये, एक बादशाह वक्त लड़ा था हुसैन से, बिल्कुल गलत लिखा हुआ तारीख में है ये, एक बादशाह वक्त लड़ा था हुसैन से, वो बादशाह वक्त नहीं था फकीर था, बैअत की भीख मांग रहा था हुसैन से, वो बादशाह वक्त नहीं था फकीर था, बैअत की भीख मांग रहा था हुसैन से, अली असगर का ऐसा मान ऐ फौजे सितम, वरना तेरे इस छोटे खत की और भी औकात घट जाती, अली असगर का ऐसा मान ऐ फौजे सितम, वरना तेरे इस छोटे खत की और भी औकात घट जाती। अली असगर हंसा तो फौज जालिम की सफ़े उल्टी, अगर ये रो दिया होता तो दुनिया ही उलट जाती, अगर ये रो दिया होता तो दुनिया ही उलट जाती। और आखिर कलाम में एक मतला और तीन चार शेर ये का समाज फरमा लें कि अली की शान मोहम्मद की आन रखता था, अली की शान मोहम्मद की आन रखता था, हुसैन जेर कदम आसमान रखता था, अली की शान मोहम्मद की आन रखता था, हुसैन जेर कदम आसमान रखता था। शेर समाज फरमाइए कि उड़ा तो शाम के सयाद हाथ मलते रहे, उड़ा तो शाम के सयाद हाथ मलते रहे, नसीब हुर बहुत ऊंची उड़ान रखता था, उड़ा तो शाम के सयाद हाथ मलते रहे, नसीब हुर बहुत ऊंची उड़ान रखता था, निभाया वादे तिफली कटा के सर उसने, धनी जबान का ऐसी जबान रखता था, निभाया वादे तिफली कटा के सर उसने, धनी जबान का ऐसी जबान रखता था। और गुरूर असलहा असगर ने हंस के तोड़ दिया, सगीर कब भला तीरो कमान रखता था, गुरूर असलहा असगर ने हंस के तोड़ दिया, सगीर कब भला तीरो कमान रखता था, हुसैनी सब्र के सैले रवा में क्या टिकता, यजीद रेत का कच्चा मकान रखता था,
हुसैनी सब्र के सैले रवा में क्या टिकता, यजीद रेत का कच्चा मकान रखता था और कसारा होना यकीनी था और हो के रहा, कसारा होना यकीनी था और हो के रहा, यजीद झूठ था झूठी दुकान रखता था, यजीद झूठ था झूठी दुकान रखता था। ये शेर गोई अताए हुसैन है कैसर, नहीं तो मैं कहाँ मुंह में जबान रखता था, नहीं तो मैं कहाँ मुंह में जबान रखता था। और मैं नहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ इज्जत माब आली जनाब मौलाना शमसी साहब से, उनसे मेरी मौदबाना गुजारिश है, तशरीफ लाएं और अपने बयान से सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। जो मोमिनीन बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे नहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है, बराए करम वाज़ा खाने में तशरीफ ले आएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। बहुत आगे हो गया थोड़ा सा, थोड़ा सा हाँ बस। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا ودائعا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا سيدنا وشفيع المذنبين ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلوات ابھی آپ بہترین کلام مداح اہل بیت جناب قیصر عقیل صاحب نوگانوی سے سماعت فرما رہے تھے، ان کے منظوم کلام سے جو کچھ استفادہ کیا اسے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ مجلس امام حسین اور تمام شہداء کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے دسویں کے عنوان سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد مجھ کو ایک دوسری مجلس میں فوراً پہنچنا ہے، اس لیے بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ایاک نعبد، بندے کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مگر تیری دی ہوئی استعانت سے، تیری دی ہوئی طاقت سے۔ آپ جانتے ہیں یہ آئے کریمہ وہ آئے کریمہ ہے جسے پورا عالم اسلام روزانہ ہر نماز میں تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اس آئے کریمہ کو اللہ نے ایسے سورے میں رکھا ہے کہ سورہ جتنا باعظمت ہے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر سورے کو چھوڑ دیا گیا تو کسی مسلمان کی نماز نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ الحمد کی آیت ہے، تو کہا گیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی ابھی کہ مجلس پہ کیا بیان کیا جائے، تو کسی صاحب نے کہا کہ ایگو کے اوپر
कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो अखलाकी बीमारी है, ताकि हम तो अजीज़ो आपको अच्छी को अच्छी तरह से पता है कि बंदे ने जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये हम क्या है, ये अना है, ये ईगो है, समझे आप हैं। ये उभरी उभर के जैसे ही उठी तो परवरदिगार आलम ने कहा बेशक मेरी इबादत करते हो, मगर ईया कनस्तीन, मगर मेरी हुई ताकत से, यानी अपनी औकात को पहचान ले जो, उसके यहाँ अनानियत कभी नहीं हो सकती। अगर हमारी ताकत ना होती तो बंदगी का सवाल ही ना होता है। तो यहीं से बात तय हो गई कि ईगो का कोबरा वहीं बुलंद हो सकता है जहाँ इंसान की खुद ज़ाती ताकत हो। जब खुद उसकी ज़ाती ताकत नहीं है, किसी की वदियत की हुई ताकत है, तो दूसरे की ताकत के ऊपर इतराहट का किला बनाना ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। सलवात मुहम्मद वाले, आप जानते हैं ईगो क्या होती है, अना क्या होती है, अनानियत क्या होती है, समझे आप। यही आज पूरी दुनिया में जितने भी जराइम क्राइम, ये फसाद, लड़ाई झगड़ा सिर्फ ईगो की वजह से। आप उसकी रूट में उतर के देखेंगे, तह में जाके देखेंगे, तो आपको उसके अंदर आई मिलेगी, अना मिलेगी, मैं मिलेगी, मैं सबसे बड़ा, समझे आप हैं, आई एम द बेस्ट, समझे आप हैं, मैं जो हूँ वो कोई हो नहीं सकता, समझे आप हैं? सुप्रेमेसी, अपने को जताना, दूसरे अपने को सब कुछ समझना, दूसरे को कुछ ना समझना, यही अना है, समझे आप हैं? ये अना अंग्रेज़ी का एक शायर है, अमेरिकन पोइट है, शायर है विटमन, उसने कहा कि ईगो जब कमनल हो जाती है तो ये सैतान बन जाती है। शैतान कब बनती है, जब ये कमनल हो जाए तो ये शैतान बन जाती है। एक अलग मौजू, वक्त नहीं, वरना मैं इसको तो बड़ा दिलचस्प है, और इसीलिए तो पता चला, इसीलिए इसी बात को समेट के जोश साहब ने, जोश मलिक आबादी ने फरमाया, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, फरमाते हैं आतशे मगरूर बेअनवान बन के रह गई, खाक से टकराई तो शैतान बन के रह गई। यह है अजीज़ों कि अपनी इंसान को अपने डोमेन को समझना चाहिए, अपनी लिमिट को जानना चाहिए, अपनी हद अपनी सीमा की मारफत रखनी चाहिए, ताकि उसी के अंदर रह के बात करे तो अच्छा लगता है, उससे आगे निकल के या उससे ऊपर उठ के बात करेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो आप चलें, जितने भी दुनिया में क्लेश हुए हैं सब ईगो की वजह से हुए, समझे आप। देख लें जनाब आदम के घर में दो सगे भाइयों की लड़ाई जो हुई, जनाब हाबील का कत्ल होता है और काबिल मलून, ये काबिल की अना थी जिसने भाई का साथ भाई से छुड़ा दिया। बात आगे चली, जनाब नू कह रहे बेटा आ जा आ जा, आज कोई ना बचेगा, अब अब्बा हमें ये पहाड़ बचा लेगा, समझे आप हैं। ये ईगो थी अजीज़ों कि हलाक हो गया, नजात न मिल सकी उसे। उसके बाद फिर आप जानते हैं ये सिलसिला चलते चलते चला, फिर अना रब्बकुम आला, मैं रब आला हूँ अजीज़ों, मैं रब आला हूँ अजीज़ों। ये ईगो थे इस तरह से उभरी के लिए उठा के गर्क दरियाए नील करा दिया, समझे आप। जहाँ जहाँ भी आप चल के देखेंगे, नमरूद को देख लीजिए, इतनी बड़ी आग को जमा कर दिया, खलील खुदा को उसके अंदर भेज दिया, और जनाब इब्राहिम को मुतमईन हो गया मगर बता दिया, और अपनी जलाई हुई आग के सामने बेबस हो गया। यहीं पे बात आई कि आग को जलाना आसान है, मगर उसके ऊपर आग तुमने जलाई है मगर तुम्हारा काबू नहीं। शैतान ने आके सहारा दिया, मंजरी किले के इब्राहिम को डाल दिया, सोचा काम तमाम हो गया, मगर अल्लाह ने बताया कि अना वाला हलाक होता है, साहिब इनकसार हमेशा बच जाया करता है। सलवात मुहम्मद वाले। सलवात आप हज़रात बावाज़े बलन पढ़े चले गए। तो अज़ीज़ों अब आप चलें इसके थोड़े के फ़र्क को बताने के लिए और समझाने के लिए, जो बात कहनी है वो ये कहनी है कि अल्लाह ने कहा हल जज़ा उल एहसान, एहसान का बदला, हल जज़ा उल एहसान इल्ला अल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं, समझे आप। तो एहसान दो माने में आता है, एक तो एहसान के माने होते हैं किसी के साथ कोई नेकी करना, समझे आप। आप किसी के साथ कोई नेकी कर दीजिए, किसी आपका उस पर कोई एहसान ना हो, आप उससे मिले, आपने कर दिया, तो उसके ऊपर आपका ये जो नेकी होगी ये एहसान कहलाएगी। और एक एहसान होता है जो फरीजे के माने में आता है, इसमें आपके लिए वाजिब है उस काम को अदा करना, नहीं करेंगे तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, समझे आप हैं। आपको पेनल्टी लग सकती है, पनिशमेंट हो सकता है, सज़ा मिल सकती है,
आपसे आपके सामने कहना चाहिए कि पूछा जा सकता है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था, ये फरीजा होता है। अब यही ईगो थी उठी, अना उठी ईया का ना उतो ईया का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, फौरन का कहो ईया का नस्तईन, क्योंकि तुमने इबादत करके हमारे पर एहसान नहीं किया है बल्कि अपने फरीजे को अदा किया है। अगर हमारी दी हुई ताकत ना होती तो तुमने कर पाते। इसलिए कोई साहब कोई इंसान ये कहे हमने अपने वालदैन के साथ ये कर दिया, माँ बाप को के साथ ये नेकी की वो किया, अजीजो तो ये नेकी एहसान जताना ये अना तो हो सकता है मगर हकीकत में फरीजा है। आप अगर नेकी को बचाना चाहते हैं तो आप इसको इधर उधर ना ले जाइए, बल्कि ये तो फरीजा आप ना करेंगे तो कौन करेगा, समझे आप हैं। तो इन सब चीज़ों को जब जमा करेंगे आप तो आपके सामने ये सब चीज़ें सामने आएंगी कि कितनी बड़ी हकीकत का नाम है। लेकिन जो नतीजा निकलता है इससे वो यही निकलता है कि ईगो अना अनानियत हमेशा इंसान को हलाकत तक ले जाती और इनकसारी इंसान को हमेशा कमाल के अफ़क मुबीन पर चढ़ाती, समझे आप। आइए अब चलें, समझे आप। तो इंसान के लिए वो कौन सी चीज़ है कि उसकी यही अना जो है वो एक इनकसारी बन जाए, इसी देखिए जाहिर सी बात है क्या। देखो तर्जुमानी के लिए लफ्ज़ अना जो है ये तुम इस्तेमाल करो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर शैतानी के लिए करोगे तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं, समझे आप। तो ये सब चीज़ें हैं इंसान को जानना चाहिए। किसी को सताने के लिए हम इतने पैसे वाले हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने काबिल हैं, तुम्हारे पास क्या है, समझे, ये अना बोल रही है, इंसान नहीं बोल रहा है। इंसान होता साहिब इनकसार होता, इंसान होता तो उसके अंदर झुकने की सलाहियत पाई जाती है, अजीज़ों समझे आप। तो ये सब चीज़ें अब चल के अजीज़ों देखें, तो अगर कोई इंसान आया है जाहिर सी बात है अगर ईगो अना उसके अंदर पास नहीं पाई जाएगी तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएगा कैसे, तबादले ख्याल कैसे करेगा, समझे आप। तो एक बात को यहाँ से वहाँ तक मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी है जो कहे कि मैं हूँ ये हम हैं अजीज़ो, तभी तो योगा के वो सोर्स कहाँ है जहाँ से बात आई, उसी सोर्स का नाम जब कोई पूछेगा तो कभी अना बन के आएगा कभी नहनों बन के आएगा। तो इसी को कहते हैं अजीज़ों वो ईगो जिसको बर्दाश्त किया जाता है, जो काबिल तारीफ़ होती है, क्योंकि इसमें ख्यालात की तर्जमानी हो रही है, फ़िक्रों की निशानदेही हो रही है, समझे आप हैं। अगर ये ना होगी तो इंसानी समाज गूंगा होकर रह जाएगा। समाज को बहाल करने के लिए इसे मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि इंसान एक ऐसी अना से काम ले जिससे ख्यालात की तर्जमानी हो, और समाज की बर्बादी अगर करना है उसको तो इसी ईगो का अगर उसे शैतनत बना दिया अजीज़ों तो नतीजा कुछ नहीं। इसीलिए शैतान के बारे में कुरान ने क्या कहा, क्या कहा कि शैतान जो था उसने किब्र किया, किब्र तकब्बुर, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, समझे आप हैं। काना मिनल काफरीन, काफरीन में से हो गया, कुरान ये कह रहा है काफरीन में से हो गया, ये नहीं कहा काफरीन में से था बल्कि काफरीन में से हो गया। किसके नतीजे में हो गया, यही अना थी जो उसको ले कर चली गई। हमारे छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो इमाम के ने अपने एक शागिर्द से जो इमाम की बारगाह के ड्रॉप आउट थे उनसे पूछा कि बताइए कि आप मसले को कैसे हल करते हैं, समझे आप हैं। तो उन्होंने कहा फर्जंद रसूल मैं कयास करता हूँ, हैं कयास करता हूँ, दो चीज़ों को रखता हूँ उसमें देखता हूँ तोलता हूँ कौन बड़ी है कौन छोटी है कैसे हो, समझे, ये सब चीज़ें गौर करता हूँ उसके बाद मसले को हल कर लेता हूँ। तो मौला ने पूछा उनसे कि बताइए कि सबसे पहले इस दुनिया में इस कायनात में कयास किसने किया था, हैं। तो बहुत देर तक सोचते रहे, सोचने का हमें उसको मालूम नहीं है, ये बताइए मिट्टी के ऊपर आग को तरजीह किसने दी थी, हैं, खाक के ऊपर आग की फौकियत को किसने बताया था, कहा वो तो शैतान था, तो कहा आप क्या हैं, समझे आप हैं। अगर आप भी कयास कर रहे हैं तो कयास आराई से काम लेना ये शैतानत का नतीजा है, समझे आप हैं। इसलिए मसले को कयास आराई से हल न करिए बल्कि आदलाना कसौटी पे तौल के मसाइल को हल करिए। सलवात मुहम्मद वाले। अब उसके बाद अजीज़ों उन्हीं से इमाम ने एक सवाल और कर लिया, समझे आप, बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ कि आए और इमाम के हाथों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असा थी और उसे चूमने लगे, चूमते चूमते उसके बोसे आँखों में लगा रहे हैं, उसके बोसे ले रहे हैं, अजीज़ों हैं मुसलमान थे, बहुत बड़े आलिम थे अजीज़ों।
थे मुसलमान, आज भी उनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है अजीज़ों। एक मसला तो बहरहाल उन्होंने हल कर दिया कि तबर्रुकात मासूम को चूमना हराम, शिर्क और बिदत नहीं है, समझे आप। बहरहाल इमाम ने कहा, इस असा को आप क्यों चूम रहे हैं? कहा, ये वो असा है जो रसूलुल्लाह के हाथों में रहता था। तो इमाम ने पूछा, ये हाथ किसके हैं? असा अगर काबिल क़द्र है, काबिल बोसा है, तो ये हाथ तो खुद रसूलुल्लाह के हाथ है ना। अगर रसूलुल्लाह के हाथ ना होते तो ये असाए रसूल फिर दस्ते रसूल में ना आता, समझे आप। सब ठीक। फिर इमाम ने कहा, बताइए, अच्छा एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो कुफ्र से शुरू होती है और इस्लाम पे ख़त्म होती है, समझे आप। बहुत तवज्जो अजीज़ों, वो कौन सी चीज़ है, बात सवाल बहुत छोटा है मगर जवाब बहुत अहम है इसका। वो कौन सी चीज़ है जो कुफ्र से शुरू होती है और इस्लाम पे ख़त्म होती है? बहुत देर होने के बाद भरे मजमे में भी नहीं बता पाए, पसीना पसीना हो। तो इमाम ने कहा, नहीं बता पा रहे हैं आप, तो बताइए क्या मैं बताऊँ? कहा, फर्जंद रसूल, आप ना बताएंगे तो कौन बताएगा? तो मौला ने कहा कि तुमने कहा ला इला, नहीं है कोई खुदा कुफ्र, कहा इल्लल्ला, ये हो गया इस्लाम, समझे आप। तो ये सवाल आती बात आ गई थी, मेरे मौजू से मुतालिक नहीं थी मगर मैंने अर्ज़ कर दिया। तो अना जो होता है हमेशा इंसान को हलाकत तक ले जाती है अजीज़ो। तो फिर अना जो हलाकत तक ले जाए, इसे हम नजात का बाइस कैसे बनाएं? एक सवाल है। अना हलाकत तक ले जाती है हमको। अब इसी अना से दो रास्ते निकलते हैं, या तो हलाक होकर कार मजल्लत में गिर जाए इंसान, या नजात पा करके हिदायत के बामो अफक पर चढ़ जाए इंसान। यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इधर आए या उधर जाए अजीज़ों। तो आप जान चुके कि हलाक होने वालों का अंजाम किस किस तरह लोग हलाक हुए इसी अना की वजह से। अब सुनिए कि देखिए, अल्लाह ने किसी चीज़ को बुरा नहीं बनाया है, समझे आप हैं। कोई भी चीज़ इन्वेंशन हो या क्रिएशन हो, ईजाद हो या तख्लीक हो, बुरी नहीं होती है। वो क्या कहना चाहिए, बुरी कभी नहीं होती, बल्कि इस पे मबनी होता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक सुई है, आप किसी के कपड़ा सिलने के काम में लाएं, हैं आप किसी के हाथ में कोई लकड़ी फांस चुभ जाए उसको निकालने के काम में लाएं, तो इसका सही इस्तेमाल है। कोई इंसान है उसके बदन में चुभो दें, समझे आप हैं। तो सुई हराम नहीं है, इस्तेमाल हराम है इसका। इस्तेमाल क्या है अजीज़ों, उसको हमको देखना चाहिए। बंदूक है, बंदूक बनाई गई है काहे के लिए, इंसान अपनी हिफाजत करे, दूसरों की जानों को बचाए हैं, उसी से दूसरों की जानें लेने लगे अजीज़ों। तो कोई चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे सही और गलत, हलाल और हराम बना देता है। उसी तरह ईगो है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ना, का मैं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर मैं का इस्तेमाल करने के बाद आपको नजात मिल रही है तो ये हलाल है, और हलाक हो रहे हैं तो ये हराम है, समझे आप। बस अजीज़ों, बात की तलखीस करते हैं। तो इस अना का जायज़ इस्तेमाल क्या है अजीज़ों? इस अना का जायज़ इस्तेमाल ये है, मैं का जायज़ इस्तेमाल ये है कि अपनी मैं से आप अपने कमालात को इस तरह से दिखाइए कि सारी दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, और जब मुतवज्जे हो जाए तो आप कह दीजिए, मैं कुछ नहीं वो सब कुछ है। आपने लफ्ज़ पे गौर नहीं किया, मैं के सहारे से लाए आप, और आपने कहा मैं कुछ नहीं वो सब कुछ है अजीज़ों। तो इसके माने यही मैं वो है कि जहाँ से ताकत आई थी उसी के हवाले कर दिया अजीज़ों। आप जब ये खूबी पैदा हो जाती इंसान के यहाँ, तो इंसान गैब में छिपी हुई हकीकत का मजहर बन जाता है। आप जानते हैं, आपकी मैं ऐसी होनी चाहिए कि विजिबल क्रिएशन को आप अपनी तरफ मुतवज्जे करके इनविजिबल एब्सोल्यूट अथॉरिटी की तरफ मोड़ दें अजीज़ों। इसलिए याद आ गई मुझे फिर वो बैत कि जोश ने क्या खूब कहा है कि सजदों से खैचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो यक इशारा है माबूद की तरफ। सजदों से अपनी तरफ खैचना, ये एक मैं है जिसे हुसैन कहते हैं, और माबूद की तरफ मोड़ देना, ये भी एक इनकिसारी है कि सब कुछ अपनी तरफ लेने के बाद उधर कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूं तू सब कुछ है। ये इमाम हुसैन साहब ने कहा, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। मौला ने कहा, मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। इसी से कभी अपनी ज़ात के ऊपर फख्र ना करो, बल्कि उस ज़ात पे तकिया करके फख्र करो, तो ये शुक्र भी होगा फख्र भी होगा। ये वजह जब ऐसे बंदे निकलते हैं जो सारी दुनिया को अपनी अना के कमाल से, कमाल इनकिसारी से मुतवज्जे करके उसका रुख ज़ात वाजिबुल वजूद की तरफ मोड़ देते हैं, तो खुदा कहता है कि याद रखो,
मैं महमूद होऊंगा तो तुम मैं मोहम्मद होगे, मैं आला होऊंगा तो तुम अली होगे, मैं फातिर समावात वल अर्ज़ होऊंगा तो तू फातिमा तो ये फातिमा होगी, मैं मोहसिन होऊंगा तो ये हसन होंगे, मैं कदीमुल एहसान तो ये हुसैन होंगे। और उसके बाद अल्लाह ने कहा ये तो चला मगर अब तो माबूद का फर्क बाकी है, एक मौका ऐसा आएगा कि दो ही चीज बनाऊंगा, अपने लिए सुजूद बनाऊंगा और तुम्हारे लिए दुरूद बनाऊंगा, हमारे सुजूद में तुम आओगे, तुम्हारे दुरूद में हम आएंगे, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा कमाल पाया जाता, तो ये हकीकतें हैं अजीजों। और अल्लाह ने कहा कि हम अकेले नहीं आएंगे बल्कि मलाइका से कहेंगे, साहिबान ईमान से कहेंगे चलो 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 असीसो हैं। बहरहाल ये पूरा मौजू है, फिर इंशाल्लाह कभी अर्ज़ करूँगा। तो कभी अपनी ज़ात पर किब्र की बैसाखियाँ, तकब्र की बैसाखियाँ लगा करके असीसो मैं को सामने लाने की कोई कोशिश ना करे, करेगा तो इंसान नहीं शैतान होगा असीसो। और अगर इसी मैं को उस आस्थाने पर सारे कमाल के हुसूल के बाद उस आस्थाने पे झुका देगा तो अजीजो यही बंदा वो होगा जिसे अल्लाह कहेगा कि जब दुनिया इसे देखेगी तो हमें पहचानेगी। अजीजो अजीजो यही वजह थी कि अल्लाह ने खुद कहा कि दोनों का एग्जांपल हम ज़मीन से आसमान तक दिखाएंगे एक नमूना। अजीजो फितरस बोला मलक है अजीजो कि ये तो सब पढ़ते हैं कि हमारे इमाम हुसैन सलाम तक आया, मगर इसके पहले का जो उस मामला है वो तो उसे उन्होंने कहा मेरे मालिक बड़ी अल्लाह की हमद की मलक था, मैं तारीफ़ ना करता हमद ना करता तो कौन करता, मासूम मलक था जानता है कि मकाम रुबूबियत क्या होता है। तो करते करते कहता है मेरे मालिक तूने ये बनाया ये बनाया ये बनाया सब कुछ है मेरे मगर मेरे मालिक हम चाहते तेरे तुम्हारे तेरे पूरी कायनात की और अर्श इलाही के जितने परतों हैं सबके हम कहना चाहिए कि सबका हम जो हैं वो करें दौरा करें, उन्होंने जाके हम देखें ऐसी चीज़ों। खुदा ने कह दिया कि फितर से तुम्हारे बस की बात नहीं है ऐसी, कहा नहीं मैं तो जाऊंगा बस यहीं से मामला गड़बड़ हो। तो अल्लाह ने कहा जा जाके देख ले अजीज़ो। तो वहाँ से कहता और मैं तो जाऊंगा मैं देखूंगा हैं। तो अजीज़ो ये सब बातें कहा उसने तो जैसे मैं के सहारे से बढ़ा तो रास्ते में बालों पर शल हो गए, थक गया गिर गया ज़मीन पे चला आया, कहाँ था आसमान पे कहाँ आ गया ज़मीन पे समझे आप। अब उसके बाद न जाने कितने साल इसी तरह पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, और होने के बाद जो था कि एक बार देखा मलाइका का जूग दर जूग ज़मीन की तरफ उतर रहे हैं। पूछा क्या हो गया, क्या पता नहीं आखिरी नबी के यहाँ छोटा नवासा पैदा हुआ है, हम सब वहाँ जा रहे हैं तहनियत के लिए और ताज़ियत के लिए दोनों चीज़ साथ साथ हुई वहाँ पे। मैं पूरा वाकई आपके पेश नज़र है। फितरस कहना क्या मैं भी चल सकता हूँ, क्या बिल्कुल चल सकते हो। सईदुल मलक ने हुक्म दिया, मलाइका ने उसे उठाया, उठाने के बाद ले गए और सरकार के सामने डाल दिया। सरकार ने पूछा क्या, कहा ये उताब इलाही का नतीजा है कि उसके बालों पर चले गए थे। फितर उसने कहा कि काश के बालों पर आ जाते, सरकार मेरे ऊपर करम फरमा दीजिए, समझे आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ले जाओ हुसैन के गहवारे से मस कर दो, समझे आप। जैसे आपको पता करना हो कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है तो जिक्र अली करिए, हैं ये नहीं कि अली की ज़ात को रखिए सामने, मौलाए कायनात को जाके देखिए, क्योंकि 63 साल हयात तजबा के बाद जब ज़ाहरी तौर पर मौलाना मिल सके तो हम कैसे पता करते कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है। तो रसूल ने कहा जिक्र इलाही करो, जिक्र अली करो, खुद पता चल जाएगा मुनाफिक कौन है मोमिन कौन। मैंने कल तफसील से अर्ज़ किया था वहाँ की मजलिस में, तो इतनी बात हो गई। उसी तरह रसूल कहते थे जाओ हुसैन से मस कर दो, 57 साल हयात तैयबा के बाद कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाती तो कहाँ जाता अजीज़ों हैं। तो रसूल ने कहा हुसैन के गहवारे से मस कर दो, और ये कह के हुसैन के गहवारे को इस तरह से आम किया कि वो गहवारा वहीं रह गया, मगर हुसैन दुनिया के हर बच्चे का गहवारा कहाँ जाता है नहीं पता, मगर हुसैन का गहवारा गली गली कूचे कूचे करिए 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 जहाँ भी कोई हाजत हो अपने बच्चे को या किसी को मस कर दो असीज़ हैं। और यहीं से बात तय हो गई असीज़ों कि आपके सामने एक बात आ गई जहन में कह दूँ कि शैतान अपनी अना की वजह से गया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा तुम कश्ती बनाओ और इस कश्ती को लेके चलो और उसमें हर मखलूक के एक एक जोड़े को बिठाओ और सारी बातें थी तो सब बिठाओ। अब उसके बाद शैतान से भी अल्लाह वादा खिलाफी अपने दुश्मन से भी नहीं करता कि इला यौमिल वक्तिल मालूम, समझे आप हैं। यौमिल वक्तिल मालूम से क़यामत का दिन नहीं है, ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम, ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सुबह शैतान की मौत का दिन है,
समझे आपने। बहरहाल तो ये फरमाया कि अल्लाह ने शैतान पीछे की तरफ जाके बैठ जाना, तो रवायत कहती है कि आया आने के बाद जैसे ही बैठा वहाँ पे जनाब उन्हों को कुछ वज़न मालूम हुआ, कुछ बोझ मालूम हुआ, देखा कितनी मखलूकात लदी हैं, कुछ नहीं पता चला ये कौन आ गया, घूम के देखा तो शैतान, समझे आप हैं इसको। तो शैतान से जनाब नूह फरमाया कि तू कितना बदकिस्मत है, काश कि आदम को सजदा कर लिए होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हैं, अजाज़ील से इबलीस, इबलीस से शैतान सब कुछ बन गया वो। तो कहता है तो कैफे अफसोस मरते हुए कहता है, कैफे अफसोस मरते हुए कहता है कि अब क्या करें, कहाँ आदम मिलेंगे, कहाँ हम सजदा करेंगे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी अभी अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए हमें ये वही भेजी है कि अगर तू जाके नजफ की वादी में आदम की कब्र को सजदा कर ले तो अल्लाह उसी तरह माफ़ करने को तैयार है जैसे उस दिन माफ़ करता तुझे। बस अजीज़ो कहा कि मैंने जब आदम के खनखन आते रूह पड़े हुए पुतले को सजदा नहीं किया तो कब्र को जाके सजदा करूँगा। ये अना फिर आ गई, एक गुंजाइश निकली मगर ये अना फिर आ गई। अजीज़ो अजीज़ो मगर इससे बात तय हो गई, जब मासूम के रोज़े पे जब ईसाई एहतराम में इस्मत हराम होने लगे तो जान लीजिएगा ये इबलीस की सीरत हो सकती है, नबी की सुन्नत नहीं हो सकती। नबी की सुन्नत तो यह है कि गुनाहगार तो गुनाहगार है, मासूम मलक को भी जरूरत पड़ जाए तो मासूम इमाम के गहवारे से मस कर दो, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस क्या था, आप जानते हैं फितरस गया, बालों पर मिल गए, सब कुछ है लेकिन आना नहीं भूला, समझे आप हैं। मगर आसमान पे चला सैर करता हुआ कि मैं अहाता करूंगा अर्श इलाही का, फिर यहां से निकला कहने लगा अना अतीकुल हुसैन, समझे आप, ना अब बाल गए ना पर गए ना शह पर गए अजीजो, अना तो अब भी है। कहा जब अपनी जात पे तकिया करके इनानियत के कोबरे को बुलंद करोगे तो खुदा बख्शने वाला नहीं है, मगर हुसैन की जात पर अपनी अना को कुर्बान करके हुसैन के भरोसे पर हुसैन की हुसैनियत की ताकत से अपनी इनानियत को लाओगे तो ये अना वो होगी जो काबिल तारीफ होगी और भाई से नजात बनेगी, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है सीसो सीसो। हाँ, आपको ये देखना है हमको कि हम अपनी अना को कमनल होने से कैसे बचाएं। बस अजीज़ो बस बात की तलखीज़ करते हुए, अभी दूसरी मजलिस भी है, आपको भी हाजिर होना है, मुझको भी हाजिर होना है। क्या अजीज़ो फितरस को बालों पर तो मिल गए मगर जब सरकार सईद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई तो पूरी कायनात में खलबली मच गई, आलम मलकूत भी इस कहना चाहिए जलजले से महफूज न रह सका। तो एक बार सारे मलक बड़े फितरस से पूछा कि बताओ, फितरस भी बड़ा अल्लाह से पूछने लगा तो अल्लाह ने कहा ऐसा ऐसा हो गया आखिरी नबी के नवासे को जिससे तुझे बालों पर मिला था। फितरस ने कहा मेरे मालिक अब हमको ये इजाज़त दे दे कि हुसैन की कब्र पे जाएं, हुसैन के रोज़े पे जाएं। अजीज़ो रवायत में यहाँ तक है मलाइका आते हैं जाते हैं मगर फितरस मुस्तकिल वहाँ बैठा रहता है। अजीज़ो शैतनत की अना के बिना पर जो खसूसियात छीनी थी इससे उसे जहाँ से वापस मिली है, एहसान शनासी और मोहसिन की मारफत का नतीजा यही कि बाकी ज़िंदगी भी वहीं पे गुजार दो। अजीज़ो ये वजह है अजीज़ो, और फितरस वहाँ पे मौजूद रहता है, सारे मलाइका आते रहते हैं अजीज़ो और वहाँ पे ज़ियारत करते रहते हैं मगर फितरस की गिरियाज़ारी जारी रहती है अजीज़ो। बस अजीज़ो क्यों ना होता अजीज़ो, हुसैन किसी ऐसे वैसे का नाम नहीं, हुसैन वो है जिसके वास्ते मलाइका ने उनकी माँ के साथ चक्कियाँ चलाई हैं अजीज़ो, हुसैन वो हैं जिन्हें जबरील ने लोरियाँ दी हैं अजीज़ो, वही हुसैन जब करबला के मक्तल में दुश्मनों के नरगे में घिर गया और सदाए हलमिन नासरिन बुलंद हो चुकी। अजीज़ो एक बार शैतान मलून उतरा, कहा भी क्या हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि इस तमाज़त आफ्ताब इतनी तेज़ हो जाए कि हुसैन उस टेम्परेचर को बर्दाश्त न कर सकें, का ये भी चाहते हो इस इम्तिहान से भी गुजार दूंगा। सूरज को हुक्म गया, सूरज कांपने लगा, कांपते हुए आगे बढ़ा, हुक्म इलाही था, इतमाम हुज्जत थी ताकि जालिम के खजाने में भी कोई भी जुल्म ऐसा न बचे कि जो करबला के ऊपर जिसका एक्सपेरिमेंट और तजर्बा ना हो सके, जालिम कह ना सके, क्योंकि हर मजलूम के लिए मदावे के दरिया यही से बहने हैं। अजीज़ो
बस अजीजों होते होते यहाँ तक आया। एक बार सूरज की तमाजत महसूस हुई हुसैन इब्न अली को। अजीजों एक बार तमाजत को महसूस होते होते खुनकी महसूस होने लगी। बस अजीज़ों देखा तो क्या देखा, जिब्रील अपने शह पर कसाया किए हैं। मौला ने कहा, जिब्रील क्यों आगे बढ़ाए? कहा, हमने तो आपकी माँ के साथ चक्कियाँ चला के पाला है आपको, हमने तो झूला झुलाया है आपका, हमने तो लोरियाँ सुनाई हैं आपको बचपने से लेके आज। ए मौला, हम कैसे वो कर सकते हैं आपके? हुसैन इब्न अली ने कहा, जिब्रील ये इम्तिहान का वक्त है, जिब्रील ये इम्तिहान का वक्त है। अजीज़ो हुसैन ने वापस कर दिया, जिब्रील वापस चले गए अजीज़ो। मगर अजीज़ो फिर हुसैन इब्न अली ने बाप की ज़ुल्फ़िकार हैदर कर्रार की ज़ुल्फ़िकार को निकाला, मौत की चक्की बना करके घुमाने लगे। सर उड़ रहे थे, तन ज़मीन पर तड़प रहे थे, कोई ताकत थी जो कि जो इसे रोक सक नहीं रोक सकती थी। अजीज़ो के एक बार अल्लाह से जिब्रील ने कहा, क्या जा करके हुसैन की ज़ुल्फ़िकार को हम अपने शहर पर रोक लेते? अल्लाह ने कहा, अगर खैबर का मैदान होता तो तेरा शहर पर होता, अली की ज़ुल्फ़िकार जो हुसैन के हाथों में मौत की चक्की बन के चल रही है उसे रोक देता। मगर जिब्रील ये मैदान खैबर नहीं, ये करबला का मैदान है, खुद हम जाते हैं। कहा अल्लाह ने कहा कि या अय्युतह नफ्सुल मुतमईना तुर्जी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमईना इस आलम में आ कि तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। मेरा आका मशीयत के इशारे को समझा, फौरन तलवार को नियाब में रखा। हुसैन एक बार घोड़े से ज़मीन की तरफ चले, दरे खेमा से बहन खेमे के अंदर से बहन चली, टिल्ले जैनब यहाँ पे खड़ी हो गई। अजीज़ो एक बार जब जुलजना के ऊपर, नाना के जुलजना के ऊपर बहन को माँ जाया नजर न आया, ए नाना के फरे से बावफा बता, मेरा जुलजना किधर है, जुलजना मेरा भैया किधर है? एक बार जुलजना ने कहा, शहजादी हमने आका को अपनी जीन से उतर के ज़मीन की तरफ जाते तो देखा। आप ज़मीन से पूछिए तो पूछा, ए अर्ज़ नैनवा बता मेरा भैया किधर है? तो अर्ज़ नैनवा बोली, शहजादी हमने जुलजना की जीन से अपने तई आका को आता तो देखा, मगर आका दरमियान में कहाँ रुक गए, हमें पता नहीं कि सनसनाते हुए तीरों ने कहा, ए बीबी घबराइए नहीं, अब जो झुक के देखा हुसैन आखिरी सजदे के लिए झुकते जाते हैं, तीर चुभते जाते हैं। बस अजीजो ज़ैनब चिल्लाई, पिसरे सारा तू चतुर जर्री लगाए बैठा, मेरा माँ जाया जिबा हो रहा, उधर जन्नत से फातिमा चली। अजीजो हुसैन नबी से कहा, नाना बहन को समझाना मेरा का, मगर अम्मा को संभालना आपका का। स्वयं ज़ैनब को आंखों के इशारे से वापस किया, ज़ैनब वापस हुई। इधर मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा से कहा, अली आगे बढ़ो, फातिमा का दस्त मुबारक खंजरे बातिल से हटा लो। अजीजो अली आगे बढ़े, फातिमा का दस्त मुबारक एक बार जालिम के खंजर से हटा, सालिम का कुल खंजर चल गया, बोसगा है नबवी ज़िबा हो गई, ज़मीन करबला हिलने लगी, खून ताज़ा बरसने लगा। अला कतल अल हुसैन बिकरबला व अला ज़ुबह अल हुसैन बिकरबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाहि तस्लीमन लिअम्रिह इलाही बिहक ज़हरा अबीहा व बालिहा बनिहा। पारला हमारे से मुख्तसर सी अज़ा कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, जो मखरूज उनके कर्ज की अदायगी, जो बीमा जो बेरोज़गार हैं रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी से लगे हुए हैं उनकी रोज़ी की हिफाजत और उनकी रोज़ी बरकत अता फरमा। पालने वाले जो भी ममालियान हैदर कर्रार या कोई भी मजलूम इंसान किसी तरह ज़ालिमों के हाथों उनकी जद में हो तो उसे नजात इनायत फरमा, ज़ालिम काबिल इस्लाह ना हो तो उन्हें सफ़े हस्ती से नाबूद कर दे। हमारे कौम के इल्मी और कुरान फहमी के मेयार को बुलंद, इक्तसादी और माशी हालात को बहाल कर दे। पालने वाले ये जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, जल्द अज जल्द इससे आलम इंसानियत को नजात दे, और जो अफराद इसकी जद में हैं उनको जल्द जल्द शिफाए कामिल आजिल, और जो महफूज हैं उनको महफूज रख। इन सब की सेहत व सलामती के लिए आप हजरात सब मिल के पढ़ें, अम्मै युजीबुल मुस्तरा इज़ादा ओ यक्षिफु सू, 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 अम्मै युजीबुल मुस्तरा इज़ादा ओ यक्षिफु सू।
पालने वाले इस अज़ाखाने और इस अंजमन अज़ादारान को जिन अराकीन अंजमन ने कायम किया और हमारे बीच नहीं हैं, उनको जन्नत नईम आलईलीन जवार मासूमीन करामत फरमा। और जो अफराद कहीं भी मोमनी नहीं हों वाले, उनका ताल्लुक जहाँ ने ईमानी से है, उनको भी उनकी भी मगफरत फरमा। पालने वाले जो अराकीन आप एहतमाम करते हैं इन सब प्रोग्राम्स का, उनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। पालने वाले नातिक वजन वाले जो इस मजलिस को दूसरों तक पहुँचाते हैं, उनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। पालने वाले परचम इस्लाम को सरबलंद कर, परचम कुफ्र नफाक व शिर्क व सरनिगु कर, हज व ज़ियारात की तौफीक करामत फरमा। हमें सिद्क़ नियत और इखलास क़ल्ब के साथ मज़लूम करबला की वज़ादारी करने की तौफीक करामत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आमान अंसार में शामिल फरमा कर करबला के खून का बदला लेने का शरफ़ करामत फरमा। मातम हुसैन। हुसैन करने आए तने पाश पाश को, आबिद पुकारे देख के गाजी की लाश को। अरे चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ, चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ, चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आ। सकीना अब भी है प्यासी बताने आया हूँ, चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ, चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ। सकीना अब भी है प्यासी बताने आया हूँ, चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ, चचा आप बताओ कैसे चचा क्या गुजर गई हम पर, हर एक शहर में मारे गए हमें पत्थर, थी माए फुपिया मेरे साथ अली के पिसर, ये सारे जुल्म के किस्से सुनाने आया हूँ, चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ। तुम्हारी ते बाबा वहीं हो कायन रोज इस लाशे पे धूप का साया, ये हाल देख के रोता है खून दिल मेरा, गरीब हूँ मैं कफन तुमको दे नहीं सकता, तुम्हारी लाश के तुका मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ, चचा मैं आप सकीना राह में ना कैसे गिर गई थी अभी, वही है ताजा रिवायत का
कमर पे लिखी हुई है जारी खून जो इस वक्त एड़ियों से मेरी लई से खा के अभी ताजियाने आया हूँ चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ चचा मैं आप लई ने बच्ची के गोहर को ऐसे छीना था गिरी जमीन पे सकीना मैं खून रोता था वो जिस जमीन पे कानों से खून टपका था वो खाक रखने तुम्हारे सिरहाने आया हूँ चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ चचा मैं आप बगैर इनके तुम उतरे थे जीन से कैसे हरम तो लुट गए ये बाजू कट गए जब से पड़े थे दूर ये लाशे से आपके कब से कटे ये बाजू बदन से मिलाने आया हूँ चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ चचा मैं आपकी तुरबत बनाने आया हूँ Assalamu alaikum.